तो दोस्तों अगर आपने ले लिया एक नया फ्रिज तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे पार्टी बाद में दे देना, बट हम भी दोस्तों लिए एक नया फ्रिज और आपको अगर उसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख लेना, बहुत ही अच्छा फ्रिज है। तो मैं क्या बोल रहा था, आपके पास अगर पहले से एक फ्रिज है या फिर आपने नया फ्रिज लिया है तो आपके मन में दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके मन में आता ही है और इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नंबर वन, आप अगर कभी घर से बाहर जाते हैं उस वक्त क्या आपके अपना फ्रिज को ऑफ करके जाना चाहिए या ऑन करके जाना चाहिए। सेकंड सवाल, रात में जब आप सोने जाते हैं उस वक्त क्या आपके फ्रिज को ऑन करके सोना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए। या फिर थर्ड सवाल, 24 घंटे में दोस्तों कितने घंटे के लिए आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए और ऑफ कर देना चाहिए। इस सवाल को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, 24 घंटे में आप कितने घंटे के लिए अपने फ्रिज को ऑन और ऑफ रख सकते हैं। यार ये तीन सवाल ऐसा है जो कि आपको नहीं पता है लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसा मिस्टेक हो रहा है जिसके लिए आप ही दोस्तों जाने अनजाने में आपका फ्रिज को खराब कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, आपसे दोस्तों आपका फ्रिज खराब होने वाला है बहुत ही जल्द। बिल्कुल सही सुना आपने, आपका फ्रिज दोस्तों बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। तो जल्दी से अपना फ्रिज को बचाओ वरना दोस्तों भगवान ही जाने क्या होने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब दोस्तों मैं ये तीन सवाल का आंसर मैं ऐसे करके एक सेकंड में दे सकता हूँ पर इससे क्या होगा, आप सारा चीज समझ जाओगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आधी अधूरी ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है आपके लिए और आपके फ्रिज के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखो और वीडियो को पूरा देखो, और पूरा वीडियो को देखो मत, पूरा समझो भी, ताकि दोस्तों आप भी थोड़ा बहुत हमारे जैसा फ्रिज का एक्सपर्ट बन सको। यार मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो का अंत तक आप दोस्तों अपने फ्रिज के बारे में सब कुछ जान जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बन ही जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर माने या ना माने गुरु ये वीडियो बहुत ही काम का है, तो आप जल्दी से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि दोस्तों आगे भी ऐसे काम का वीडियो आपको मिलता रहे। वैसे भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, अगर पैसा लगता तो क्या मैं आपको बोलता। यार दोस्तों फ्री है कर लो, ये गरीब का भी भला हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि क्या रात को सोते वक्त आपके फ्रिज को ऑन करके सोना चाहिए या ऑफ करके सोना चाहिए। इसका जवाब है सिंपल सा, आप जब रात में सोते हो आपका फ्रिज को ऑलवेज ऑन करके सोना चाहिए। कुछ केस में आप अपना फ्रिज को ऑफ करके सो सकते हैं क्योंकि आपका फ्रिज का भला कम और नुकसान ज्यादा हो जाएगा। वो केस क्या है, अगर आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाना आना होता है तो यहाँ पे इस केस में आप फ्रिज को ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तो आप उस वक्त में फ्रिज को ऑफ करके सो सकते हैं। लेकिन अगर बिंदास आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है तो आप भी बिंदास फ्रिज को ऑन करके रात में सोइए, लेकिन हाँ टेम्परेचर उसका 3-4 पे सेट करके रख सकते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आप मान लो घर से कहीं बाहर जा रहे हो कुछ देर के लिए तो उस वक्त क्या आपको फ्रिज को ऑन करके जाना चाहिए या ऑफ कर देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब है, मान लो आप दोस्तों कुछ घंटे के लिए अगर बाहर जा रहे हो घर से तो उस टाइम अपने फ्रिज को आप ऑन करके ही जाओ, क्योंकि दोस्तों बार बार ऑफ करने से आपका फ्रिज का कंप्रेसर बहुत खराब होने का चांस रहता है। लेकिन 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 आप अगर दोस्तों 3-4 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जा रहे हो या फिर 1 वीक के लिए घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो इस टाइम पे आप अपना फ्रिज को ऑफ करके जाइए, यही सबसे ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आप जब 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद घर वापस आओगे और फिर से अपना रेफ्रिजरेटर को चालू करोगे तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रॉपर कूलिंग थोड़ा सा कम हो चुका है। तो आपको घबराना नहीं है, आप डरना मत कि आपका फ्रिज खराब हो गया। यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, आपको 3-4 घंटे के लिए आपका फ्रिज को पूरा खाली कर देना है और खाली करके ऑन करके रख देना है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद फिर से वो सामान फ्रिज में रखने के बाद आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। बस ये करके देखना, आपका प्रॉपर कूलिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका थर्ड सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि 24 घंटे में कितने घंटे दोस्तों आपका फ्रिज को आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। या फिर इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 24 घंटों में आप कितना घंटे के लिए दोस्तों अपने फ्रिज को ऑन कर सकते हैं और ऑफ रख सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपल इसका जवाब दे देता हूँ, आपका फ्रिज चाहे कोई भी कंपनी का हो यहाँ पे आपको 24 घंटे में दोस्तों 24 घंटे ही अपने फ्रिज को ऑन रखना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, अभी के जितना भी फ्रिज आता है ना सारा दोस्तों न्यू स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है और आपके फ्रिज में यूज होता है दोस्तों थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देता है। आप 24 घंटा अपने फ्रिज को ऑन रख रहे हो इसका मतलब ये मत सोचना कि 24 घंटा ही आपका फ्रिज दोस्तों ऑन है। अभी के दोस्तों जितना भी नए लेटेस्ट फ्रिज आ रहा है ये टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अब पहले जैसा नहीं रहा फ्रिज, पहले के जमाने में होता होगा कि 24 घंटा ऑन रख रहे हो मतलब 24 घंटा वो काम कर रहा है,
लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल ऐसा बात नहीं है। अभी का जितना भी नया फ्रिज आ रहा है, यहाँ पे क्या केस है कि यहाँ पे आपको थर्मोस्टेट डिसाइड करता है कि जितना देर आपका जरूरत है आपका फ्रिज को कूलिंग होने के लिए, उतना देर आपका फ्रिज तो ऑन रहता है। और जब दोस्तों प्रॉपर कूलिंग हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्रिज दोस्तों सो जाता है, यानी स्लीप मोड में चला जाता है। तो आपको टेंशन लेने का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों हर एक कंपनी, जितना भी फ्रिज कंपनी है, सारे यही चीज़ कहते हैं कि आप अपने फ्रिज को 24 घंटों में दोस्तों 24 घंटे ही ऑन रखें। इसी में आपका और आपका फ्रिज का दोनों का भलाई है, क्योंकि यहाँ पे न्यू थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी जो है वो यही काम करता है कि आपका फ्रिज को जब ऑन होना होता है तब वो ऑन कर देता है, और जब दोस्तों उसको ऑफ होना होता है तब उसको ऑफ कर देता है। ऑफ यानी पूरा ऑफ नहीं, वो सिर्फ स्लीप मोड में चला जाता है। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कभी भी कि आपका फ्रिज के अंदर से कभी कभी दोस्तों एक अलग तरह का साउंड आता है और फिर वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, जब वो साउंड आ रहा है तब वो ऑन हो रहा है, अपना काम चालू कर दिया है, कंप्रेसर दोस्तों कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और जब एक बार कूलिंग प्रॉपर हो जाता है तब कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, आप समझ गए होंगे, आपका फ्रिज कोई भी कंपनी का हो 24 घंटों में दोस्तों 24 घंटे आपको ऑन रखना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक सवाल आता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे सेम आएगा या फिर थोड़ा डिफरेंस आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे कह दूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो नॉर्मली आता है दोस्तों। अभी के जितना भी नया फ्रिज आ रहा है ना, सबका दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आ रहा है, तो आप ये चीज़ देख लेना। और साथ ही मैं यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपना फ्रिज को बार बार ऑन ऑफ मत करो अगर जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों बार बार ऑफ करने से, ऑन करने से आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही जल्द दोस्तों आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है। पर आपके वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाना आना लगा हुआ रहता है या फिर वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस केस में आप अपना फ्रिज को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अच्छा कंपनी का यहाँ पे स्टेबलाइजर यूज़ करें अपना फ्रिज के साथ। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कुछ अच्छे अच्छे स्टेबलाइजर का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और चाहो तो खरीद भी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फ्रिज दोस्तों ऑलवेज सेफ रहेगा। तो जाइए दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अच्छे अच्छे स्टेबलाइजर का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप जिस काम के लिए आए तो वो काम आपका हो चुका है। तो ससुरा इस वीडियो को भी आप लाइक कर दो, क्योंकि काम का वीडियो है, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ, क्योंकि ये तीन सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी का मन में आता ही है कभी ना कभी। किसी को दोस्तों नहीं पता है तो ये फ्रिज को जाने अनजाने में वो खराब कर रहा है। और हाँ, आपका मन में अगर कोई भी सवाल अभी तक रह गया है तो बिंदास आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप बिंदास पूछिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपके फ्रिज में कौन सी खाना रखना चाहिए और कौन सा खाना नहीं रखना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपका फ्रिज में अधिक बर्फ अगर जम जाए उस बर्फ को कैसे हटाना है, डिफ्रोस्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।